जब से तुमको देखा हूँ दिल करता है, दिल के लॉकर में तुम्हें कैद करके कॉम्बिनेशन भुला दो। ऐसे कोई किसी के दिल की तिजोरी पे डाका डालता है क्या पगली? इतनी सफाई से अरमानों का पॉकेट मार ली, सपनों की कलाई से अपने प्यार की घड़ी उतार ली, कितना अच्छा लगेगा जब करिश्मा मैडम मुझे जीजू जीजू कह के बुलाएगी। एंड टॉप क्वीन, बिल्लू की साली बनेगी। आई लव ये आपके लिए। करिश्मा सिंह जी, आप यहाँ? जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। आप यहाँ हैं तो शूटिंग कौन कर रहा है? नहीं नहीं मैडम सर, शूटिंग तो चल रही है, उस पर वापस भी जाना है। वो बैंक का जरूरी पेपर था, वही ढूंढ रहे हैं। वो ले जाके बैंक रास्ते में पड़ेगा, उसके बाद हम शूटिंग पे चले जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लीजिए जी। करिश्मा मैडम, वाओ ग्रेट। करिची लुच्ची जूस, लुच्ची नहीं लीची, लीची होता है। बहरहाल शूटिंग कैसी चल रही है? शूटिंग नहीं चल रहा है मैडम सर, सर्कस चल रहा है। वहाँ पे ना इतने सारे जड़बुद्धि लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं एक मूवी बनाने के लिए, और इस मूवी को कॉमेडी अवार्ड मिलेगा, हम बता रहे हैं, आप लिख के ले लीजिए हमसे। नहीं करी अम्मा, ऐसे नहीं बोलता, वो एक्शन पैक पिक्चर होता। वही तो बात है ना कि उसमें एक्शन जो है ना वो पैक होके रखा हुआ है, बाकी तो पता नहीं सिर्फ नचाते ही रहते हैं दिन भर। अब नया ट्विस्ट ले आए हैं कि उसमें जो है हीरोइन जो हम बने हैं उसके अंदर नागिन घुस जाती है, और वो नागिन बन के डांस कर रही है हर जगह। बताइए। नहीं वो नागिन को नागिन का रोल मिलते हुए सुना तो हंसी रोक नहीं पाए। नहीं मतलब देखिए ना, थाने में भी नागिन का केस आया है, ये भी अपने फिल्म में नागिन का रोल करने वाली है। वो कैसा संजोग है ना, वो हम ऐसे आ रहे थे। ये क्या है? बा, 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 बा। क्या है इसमें? मेरे मौत का फरमान। क्या बोले? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली वो आपके लिए नहीं है, आप मत पढ़ना दीजिए। नहीं नहीं, तुम इतना टेढ़ा मेढ़ा हो के इतना प्यार से दियो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना क्या लिखा है इसमें। नहीं मत पढ़िए इसको, नहीं तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। देखिए अभी हमारा भारी आजा छे, आजा छे। क्या हुआ संतु जी? संतु जी आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्यों टेंशन में आप? संतु जी आपको टेंशन लेने का ना कोई भी जरूरत नहीं है, हम है ना जी। आपको पता है बचपन में हमारा जो पुराना गांव वाला घर, इसके बारे में बताया था हम आपको, एक बार ना वहां पर एक साथ दो दो सांप निकला था सब। फिर क्या ऐसा फुफकारे की सरपट भाग निकले सांप? हम खुद कसम से, मतलब एक साथ एक सांप आता ना तो हम संभाल लेते, अब एक साथ दो दो सांप आया ना जजमेंट बिगड़ गया हमारा संतु जी। कितना बोली है आप संतु जी, अरे मजाक कर रहे हैं भाई। जैसे सांप यहाँ पर आप देखिएगा संतु जी, हम है ना जी संभाल लेंगे सब। आइए आप इस पर ध्यान दीजिए, खेलिए आइए, खेलिए खेलिए। हाँ एक दो तीन चार, एक बार हम चले। सर मैम। हाँ वो आ गया। कौन आ गया? हमारा वाला सांप जिसका इंतजार कर रहे हैं आप, हमारे बेड पे ही लेटा हुआ है। देख क्या रहा है, जाना। हाँ सही बोल रही है, सही। तू कहाँ जा रहा है? चिट्टी यहाँ पर है। संतु जी सांप है अंदर, सांप है। तूने क्या कहा था? दो सांप में तेरा जजमेंट खराब हो जाता है, एक में नहीं होता, एक ही अंदर। संतु जी पता नहीं है ना कि अंदर एक है या दो है या तीन है, देखी सिर्फ एक है, रूम में कितना नहीं पता है ना। एक ही है, जा। आइए आइए।
कहाँ है सांप? यही चद्दर के नीचे हमेशा की तरह हमारे बगल में सो रहा था। बाप रे बाप, कितना बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है आप लोग का। मतलब हमेशा की तरह आपके बगल में आकर लेट जा रहा है, बतिया कर भेज दीजिए ना, क्यों बुलाई है हम लोग को? क्या करे चीते, जा चद्दर हटा, सांप पकड़ जा। संतु जी हाँ मामा, ठीक है ठीक ठीक, हटी हटी इधर ही। हे शंकर भगवान रक्षा कीजिएगा। करेंगे। अरे आप लोग इतना डर क्यों रहे, सांप ही तो है। सांप कहाँ गया? कहाँ गया? अरे कहाँ गया कहाँ, यही कहीं होगा बेड के नीचे आपके पैरों के आसपास। संतु जी क्या बात कर रहे हैं? संतु डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, हम हैं ना संतु जी, हम हैं आपके साथ, एकदम रहेंगे हमेशा। आप काफी ओपी मत संतु जी। मैं नहीं, तू काफ रहा है। क्या बात कर रही है? लगता है सांप चला गया। चला गया? चला गया? संतु जी कहाँ नीचे, कहाँ जा रही है? ऊपर है, ऊपर है संतु जी। क्यों, उन्होंने कहा ना चला गया? चला गया ना पक्का? हाँ। हाँ, इनका अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। चलिए चलिए आराम से भागिए। भागिए आप दोनों ने अपनी आंखों से सांप को देखा? हमने अपने करियर में इतने अजीबो गरीब केस देखे हैं, लेकिन इससे अजीब केस आज तक नहीं देखा। ये क्या है, ये नाग नागिन, पिछला जन्म, पुनर्जन्म, ये सब होता है क्या? ये सब नामुमकिन है। वैसे मैडम सर, अगर आप इस गुत्थी को सुलझाना चाहती हैं, हाँ, तो एक युक्ति हमारे पास है। क्या? वो करीना है? युक्ति इन्हीं की है। हाँ, ये एक बहुत बड़े तांत्रिक सपेरे को जानती है, जो इनकी शूटिंग पर सांप वाप निकलते हैं ना, वो उन्हें पकड़ता है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, हम उसी को बुला लेते हैं ना, जब वो इन सांपों को पकड़ेगा, फिर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उनसे सारा सच उगलवा देगा, है ना, फिर दूध का दूध और जहर का जहर हो जाएगा। ये क्या कह रही है पुष्पा जी, ये क्या हो गया अब सबको? हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम लोगों को ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ जागृत करना है, उसको बढ़ावा देना नहीं है। इसलिए प्लीज आप रहने दीजिए, हम किसी तांत्रिक वगैरह को नहीं बुलाएंगे, अब हम खुद हैंडल करेंगे सिचुएशन को। अयो, तुमको सांप पकड़ना आता, ये तो तुम मुझको नहीं बताया सीनियर सुंदरी। हम खुद सांप को नहीं पकड़ेंगे, हम सांप पकड़ने वाली एक्सपर्ट टीम को बुलाएंगे, रेप्टाइल रेस्क्यू टीम। अच्छा सुनिए, आप दोनों घर जाइए, घर जाइए, घर जाइए मैडम सर। हाँ जाइए, घर जाइए, लेकिन कीर्ति के, वो भी रेस्क्यू टीम के साथ। आप वहाँ रेस्क्यू टीम को सांप लेकर जाएंगे, जैसे ही सांप आपको दिखाई देगा आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, ताकि वो सांप को पकड़ सके। ओके पुष्पा जी, रेस्क्यू टीम को बुलाइए। जी संतु जी, देखिए ये ना कृति के कमरा का ना इकलौता खिड़की है, तो अब जैसे सांप यहाँ से अंदर जाएगा ना, हम लोग खिड़की बंद कर देंगे, फिर कैसे भाग पाएगा सांप वहाँ, है ना? तो थोड़ा धीरे बोलना, अगर वो सांप सुन लेगा तो फिर पहले काटेगा और फिर जाएगा। कब का कब बात कर रही है संतु जी, सुना तो नहीं? जोक था। एक बात समझ में नहीं आई माता जी। होल्ड ऑन, उनको माता जी नहीं बोलता। हाँ और नहीं तो क्या, अरे अभी हमारी उम्र ही क्या, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। देखो नुकुल, तुम हमें छुटकी मैडम बुला सकते हो। सॉरी छुटकी मैडम जी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? देखिए मैं एक रेप्टाइल टीम का मेंबर हूँ, सर्प मित्र, लोग मुझे तभी बुलाते हैं जब घर में सांप घुस जाता है, लेकिन आपने मुझे पहले बुला लिया, आपको कैसे पता कि सांप यहीं आने वाला है?
हाउ हाउ वेदवा टोपी नलादिपुरे क्या नॉनसेंस दक्कन आदि कोपड़ी आज चांदनी रात होता सांप जो है अपने लवर के साथ ना डेट पे जाता आपको कैसे पता क्योंकि मैं पिक्चर किया नागिन वाला नागिन का बदला पिक्चर किया पिक्चर देखा देखा हाँ देखा पिक्चर देखा नागिन वाला नागिन का बदला या वही 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 माता जी हाँ सॉरी छुटकी मैडम जी ये करिश्मा मैडम ही है ना अमन नुकुल तुम्हें जो काम करने के लिए यहाँ लेकर आए वो काम करो ना मैं देखता हूँ करीना जी करीना जी सांप अंदर बंद हो गया है बाहर नहीं निकल सकता है यही सही मौका है उसको पकड़ने का चलिए चलिए चलो चलो जाओ 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 चलो चलो अरे सिर्फ झाकू मत जाओ अरे 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 ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया ढूंढो ढूंढो उसको ढूंढो अंदर आप घबराइए नहीं मैं सांप पकड़ने आया हूं सांप कहां है कहां है सांप इसके नीचे नीचे छत्तर के नीचे कहाँ है यही होता है रोज मेरे साथ ही सोता है पता नहीं अरे कहाँ है सांप यहाँ कोई सांप नहीं है झूठ मत बोलो मैंने खुद ने देखा था खिड़की से अंदर जा रहा था सांप अरे यहाँ कोई सांप नहीं है होता तो दिखता ना मुझे अरे हम अंदर जाते हुए देखे हैं बाहर आया नहीं कहाँ चला जाएगा ढूंढो ना ध्यान से मिलेगा वहीं होगा छुपा होगा कहीं कोने में अरे नहीं है सांप बोल तो रहा हूँ नहीं है चलिए 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 अरे नहीं है सांप आओ देखो ना नहीं है अरे पूरा छान मारा है कहीं सांप नहीं 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 ठीक 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 से ढूंढे होगा अगर देखा है बच्चों ने तो फिर होगा ही ना उधर देखिए नहीं नहीं उधर नहीं होता नहीं होता नहीं होता अयो ये कौन होता दिखता स्पेशल इफेक्ट में आंख बंद कर लीजिए वश में ना कर ली हम लोग को अरे क्या 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 है क्या ये मुझे कैसे पता मैडम आपने तो देखा ही था ना जब मैं कमरे में सो रही थी तो कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था
ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों ने अपनी आंखों से इच्छाधारी नागिन को देखा? मैडम सर, यूजुअली मैं भी यकीन नहीं करती हूँ ये सारी बातों में, लेकिन जब ऐसे एकदम फेस टू फेस देखा ना, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, इच्छाधारी नाग होते हैं। और क्या मैडम सर, लेकिन वो बढ़िया हुआ कि जो नाग भाई साहब थे ना, उनका मूड ठीक था, वरना इच्छाधारी सांप होते हैं ये बात मानने के लिए हम खुद दुनिया में नहीं होते। और मैं आपको ये भी मान रही हूँ कि ये जो है ना कीर्ति की पिछले जन्म का नाग है, जो इस जन्म तक उसका पीछा कर रहा है। तुम दोनों ने उनके पेरेंट्स से बात की? ऐसा भी तो हो सकता है कि कीर्ति किसी और से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो और महेश से किसी मजबूरी की वजह से कर रही हो, ये बात की? पूछा मैडम सर, लेकिन उसके घर वालों की तरफ से ऐसे कोई बैरिकेड्स है ही नहीं। कीर्ति जिससे चाहे उसे शादी कर सकती है, उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कोई है जो चाहता है कि कीर्ति की शादी ना हो? हाँ पुष्पा जी, कहिए। मैडम सर, हमने आपसे ये कहने के लिए फोन किया है कि जब तक चीजें होती नहीं ना, असंभव ही लगती है। जैसे कीर्ति के केस में ये नाग नागिन वाला एंगल आपको असंभव लग रहा है। हम क्या कहते हैं, आप अपना एंगल बदल कर देखेंगे तभी तो देख पाएंगे ना कि ये पुनर्जन्म का ही खेल है। हम अपनी आंतरिक शक्ति से कह सकते हैं मैडम सर, वो नाग उसके पिछले जन्म का प्रेमी ही है। आप साबित कर सकती हैं इस बात को? नहीं कर सकती हैं साबित? नहीं ना। पुष्पा जी, टीवी सीरियल्स देख देख कर ना आपका दिमाग खराब हो गया है, आप इन्फ्लुएंस हो गए इन सारी चीजों से। अरे ये नाग नागिन पुनर्जन्म, ये जन्म वो जन्म, ऐसा कुछ नहीं होता पुष्पा जी। इसके लिए कोई ना कोई और एक्सप्लेनेशन होगा। आप प्लीज पुष्पा जी रहने दीजिए, हमें बहुत सारा काम। मैडम जय हिंद, तारीफ कर रही थी। गुरु जी चलो चलो होते हैं, होते हैं मैडम सर। आप लोग प्लीज और गहराई से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता लगाइए। हो सकता है कि कोई ऐसा लड़का हो जो कीर्ति से एक तरफा प्यार करता हो, वो चाहता हो कि किसी और से शादी ना हो उसकी, इसलिए जानबूझकर ये सारे तमाशे, ये सारे अफवाह, ये सारे ट्रिक्स कर रहा हो, पता लगाइए। जी मैडम सर। मैडम सर वो एक और बात को, अब मैं घर पे जाके कुछ जरूरी सामान और कपड़े लाने हैं, वो मैं लेकर आ सकती हूँ? वो एक्चुअली क्वार्टर का नल लीक हो रहा है ना, तो पूरे घर में पानी पानी हो गया है, और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 2-3 दिन थाने रह सकती हूँ। हाँ ठीक है। संतु जी आप चाहे तो आप हमारे घर पे चल सकती हैं, हमारे घर का और दिल का दरवाजा हमेशा हमेशा आपके लिए खुला रहता है। और वैसे भी थोड़े दिन बाद तो आपको उसी घर में जाना है। सॉरी सॉरी। ये लीजिए मैडम, आपके लिए बदनाम स्पेशल ग्रीन टी। थैंक यू। आइयो गुरुजी, सीने सुंदरी पता कितना तारीफ किया गुरुजी का, फिर भी तुम्हारा मुंह ऐसा पंचर होता? ओ कर्म, इस उम्र में ऐसा सब होता है, फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ इग्नोर फिले। मैडम सर ने हमारी तारीफ नहीं की थी, उन्होंने बहुत दिल दिखाया है हमारा। पहली बार किसी बात को लेकर हमसे ऐसा मिति जताई है उन्होंने। पहले जताना चाहिए था। हाँ। मगर हम साबित करके रहेंगे कि हम गलत नहीं है, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। हाँ हाँ होते हैं, हमने भी एक फिल्म देखी। क्यों? साथ में देखी थी। हाँ। चुप करो ना। मैं भी माइंड किया, मैं नाग नागिन का इतना बड़ा पिक्चर किया, सीने सुंदरी ने एक सेकंड में मेरी बात को ऐसा बकवास बोल दिया। मैडम सर ने, मैं भी प्रूफ करेगा कि मेरा सारा बात राइट। अरे 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 मैडम जी, अरे मैडम जी आप लोग ना हमारे साथ जल्दी जल्दी चलिए जरा। तो क्या हुआ? अरे वो कीर्ति। हाँ क्या हुआ, क्या कीर्ति को? अरे मैडम जी पता नहीं क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है और बहुत ना डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसे कहीं कुछ हो ना जाए, आप लोग जल्दी चलिए बस। हाँ मैं जाएगा। हाँ हाँ आप आगे जाइए, हम मैडम सर को लेकर आते हैं। जी मैडम जी। अरे आइए आइए मैडम जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अरे अरे कीर्ति को क्या हो गया है? अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है वो, और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। अरे तुम भी कुछ बताओ। देखिए ना, सारा घर तहस नहस कर दिया। एक्शन बोलो। नहीं 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 बोला। एक्शन। टेंशन नॉट अम्मा, केक यू केस आ गई है, तो
कंटा क्वीन करिश्मा से गोली अंदर नागिन बाहर, किधर किधर तुम्हारा डॉटर किधर 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 तुम्हारा डॉटर किधर? ये किसको बुला लिया आपने? ये तो मेरी बेटी को गोली मार देगी, रोको इसको। नहीं नहीं रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो बस ऐसे ही। करिश्मा सिंह काम डाउन। पुष्पा जी आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आपकी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। हम मिल सकते हैं कीर्ति से? जी जी इस तरफ है उसका कमरा। हाँ ओके। हाय जी आप नहीं नहीं रिलैक्स रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है, हम दरअसल यहीं पास से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते हुए चले हालचाल पूछ लें। हाँ वो कल सांप मिला था ना तुम्हारे कमरे से जी, इसलिए कब से पीछे पड़ा है सांप तुम्हारे? करीबन 2 साल से। 2 साल से? अच्छा 2 साल से तुम्हारे पीछे सांप पड़ा है और तुमने किसी को बताया भी नहीं? कौन यकीन करता मैडम। हाँ ये बात भी सही है, यकीन कौन करता ऐसी बात पे। अरे वाह ये स्केचेस तुमने बनाए हैं? जी। शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कीर्ति कीर्ति हम तुमसे बात कर रहे हैं। कीर्ति